अगर आप इस वक्त माइक्रोफॉरेस्ट को देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ, तो आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे। मैं इस वक्त हूँ रायपुर के माइक्रोफॉरेस्ट में, जहाँ इस ग्रीनरी के बीच मैं फ्रेशनेस का लुत्फ उठा रहा हूँ। Yes, this jungle safari in Naya Raipur is the largest man-made safari in Asia. ये फैला हुआ है लगभग 200 हेक्टर में और इस ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए बन रहा है एक ऑक्सी जोन ऑन 19 एकर्स ऑफ लैंड, वो भी शहर के बीचों बीच। एंड टू मेक दिस ऑक्सी जोन, द सिटी इज डिमोलिशिंग 70 ऑड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड आर स्पेंडिंग अबाउट 1000 करोड़ रुपीज। यहाँ 3000 वराइटीज के फ्लावर्स होंगे और जितने भी एनिमल स्पीशीज आपको यहाँ दिखेंगे वो सब कॉन्जर्वेशन के पर्पस से स्टेट के अलग अलग जगहों से लाए जाएंगे। हम सब ये पहले सुन चुके हैं कि जंगलों को तबाह करके वहां पे मॉल्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। बट हमारे देश में मैं ये पहली बार सुन रहा हूं कि बिल्डिंग्स को तोड़ के, उन्हें हटा के वहां पर एक जंगल बनाया गया। वेलकम टू द फर्स्ट सिटी इन इंडिया विद अ मैन मेड जंगल इन इट्स हार्ट। Driving through this open expanse is just amazing. विश्वास ही नहीं होता कि मैं एक हसलिंग बसलिंग शहर के बीचों बीच हूँ। This place has a very Jurassic Park kind of feel about it, with the gates opening and all of that stuff. Okay, so what you can't see down there, there's potassium water. So basically, the cars when it goes over it, it basically disinfects the tires so that the animals don't get harmed. Pretty good idea. इस माइक्रो फॉरेस्ट को बिल्ड करने का सारा क्रेडिट जाता है रायपुर के कुछ आईएएस ऑफिसर्स को, जिन्होंने इस इंजीनियस आइडिया के बारे में सोचा। जब आप जू में जाते हैं तो जानवर केज के अंदर रहता है, आप खुले में रहते हैं, लेकिन जब आप सफारी में जाते हैं तो जानवर खुले में होते हैं, आप केज में होते हैं। तो उसमें ये आपको एक फील ये लाने की कोशिश की जाती है कि आप उनको उनके प्राकृतिक रहवास में देखने का आनंद उठा सकें। उसका उद्देश्य यही है कि एक तो एक जनता को मैसेज देना कि हमारे लिए हमारा जो जंगल और जो वृक्ष हैं वो हमारी जो कॉन्क्रीट के जंगल हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। Hi, he's just staring at me. There's something about his tiger staring at you just freezes you. You know? I have to say कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने काफी फ्यूचर प्लानिंग की है। इस माइक्रोफॉरेस्ट और आने वाले ऑक्सी जोन की वजह से इस शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी बदलाव आ जाएगा। Not only that, this microforest is putting छत्तीसगढ़ on the map for ecotourism. Can you imagine that this place is in the center of a city? This is awesome. I think हमारी और अर्बन सिटीज और टाउन्स को भी इससे कुछ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। Truly OMG.